हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पीएम मोदी का चौंकाने वाला ट्वीट है। उन्होंने ये ट्वीट किया है, दिस संडे थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माय सोशल मीडिया अकाउंट ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। मोदी का चौंकाने वाला ट्वीट आया है, सोच रहा हूं सोशल मीडिया से हट जाऊं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त चौंकाने वाला ट्वीट है। और सोशल मीडिया मतलब ये हुआ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इस बारे में मैं आप सबको सूचित करूंगा। पीएम मोदी का ये चौंकाने वाला ट्वीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट क्यों किया, ऐसा उन्होंने क्यों लिखा कि सोच रहा हूं सोशल मीडिया को अलविदा कह दूं। पीएम मोदी ने ये ट्वीट क्यों किया इस वक्त हर किसी के जहन में ये चल रहा होगा। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विकास, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट सच में चौंकाने वाला है, क्यों वो ऐसा करेंगे? स्पष्टता नहीं है और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए सूत्र में ये कह रहे हैं कि आप कुछ घंटों और कुछ दिनों का इंतजार ये आपका हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये निर्णय क्यों लेने जा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे, इस बारे में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जाहिर तौर पर उनके ट्वीट ने सबको चौंका दिया और यहाँ तक कि सरकार से जुड़े आला मंत्रियों से लेकर नौकरशाहों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के से जुड़े हुए जो अफसर हैं वे भी इस ट्वीट के बाद काफी चौंक गए। और जैसा कि प्रधानमंत्री जो कि सोशल मीडिया के सबसे बड़े आइकन हैं और जो सोशल मीडिया का जो उदय हिंदुस्तान में हुआ, देश में हुआ, उसके एक बड़े स्तंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं और ऐसी सूरत में वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये वाकई में सबके लिए चौंकाने वाली बात है। ये 8:56 पर उन्होंने ट्वीट किया, 2,363 रीट्वीट्स अभी तक हो चुके हैं, 7,394 लाइक्स हो चुके हैं। एक हिंदी में किया है, एक अंग्रेजी में किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और दूसरी बात ये विकास, जितना हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल अकाउंट कोई हैंडल नहीं करता है, वो पर्सनली इसे हैंडल करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि जब हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने सूत्रों से बात की तो वे खुद ही इस बात से बेहद चौंके हुए थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो प्रधानमंत्री ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं। हालांकि वे ये भी कह रहे हैं कि ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, आपको कुछ हो सकता है कि कुछ घंटों इंतजार करना पड़े या हो सकता है कुछ दिन इंतजार करना पड़े। विकास, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी देखिए हम फेक न्यूज की बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर कतरा नहीं रहे थे इन्फॉर्मेशन का सेलेक्टिव तरीके से आदान प्रदान करने में। क्या इन चीजों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहत हुए हैं? क्या वजह है कि इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग उनकी और वो जिसकी बदौलत, मतलब बहुत बड़ी भूमिका रही है प्रधानमंत्री बनाने में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, और इसको वो अलविदा कहेंगे? वो जानते हैं इसकी ताकत को, फिर क्यों? जी हाँ देखिए, बड़ी वजह अभी सब साफ नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो दुनिया के जो सबसे बड़े सोशल मीडिया आइकन्स हैं उनमें से एक हैं। दुनिया में उनकी फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, ट्विटर पर वो दूसरे नंबर पे हैं अपनी फॉलोइंग में। और इसके बावजूद जब देश में सोशल मीडिया के उदय में एक बहुत बड़ा रोल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जाता है, 2013-14 के बाद से जो जिस तरह से विस्तार हुआ सोशल मीडिया का और खुद उन्होंने इस ताकत को पहचाना अपने चुनाव अभियानों से लेकर और अपनी हर वो बात जो सरकार से जुड़ी हुई हो, सरकार से जुड़ी योजनाओं हो उनको लेकर वो हमेशा सोशल मीडिया पर खास ध्यान देते रहे, तवज्जो देते रहे और सरकार के मंत्रियों और अफसरों को भी कहते रहे कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो 40% से ज्यादा देश की आबादी है जो कि युवा है और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज सबसे ज्यादा करती है, सोशल मीडिया की ताकत भी खुद बहुत अच्छे से जानते समझते हैं और लोगों को इसके बारे में समझाते भी हैं। इसके बाद भी अगर सोशल मीडिया से अपने आप को अलग रखने की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ ऐसे जरूर उनके ध्यान में ऐसी चीजें आई होंगी जिनको लेकर वो कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि ब्रेक लेना चाहते हो सोशल मीडिया से या फिर वो ये चाहते हो। विकास, अब मैं दोबारा इसको पढ़ रही हूं तो जहन में कुछ और सवाल आ रहे हैं। दिस संडे थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माय सोशल मीडिया अकाउंट ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, विल कीप यू ऑल पोस्टेड दिस संडे, मतलब राइट? क्यों कुछ वक्त ले रहे हैं,
क्या वो इस बारे में सोचना चाहते हैं, लोगों की रिएक्शंस और फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। ये दिस संडे, आप जानते हैं पॉलिटिक्स में टाइम की बहुत अहमियत होती है, विकास मुझे नहीं बताने की आपको जरूरत है, आप तो पॉलिटिक्स को लंबे अरसे से कवर करते आ रहे हैं, ये दिस संडे के माने क्या है? ये देखिए, दिस संडे के 2 महीने हैं जो सामने उभर के आ रहे हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है आपको कुछ घंटे इंतजार करना पड़े, हो सकता है आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़े। तो जब ये बात कह रहे थे तो कुछ घंटे का मतलब हो सकता है कि केवल संडे के दिन सोशल मीडिया अकाउंट से अपने आप को अलग रखना चाह रहे हो, या ये हो सकता है कि वो संडे के दिन से कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट से अपने आप को अलग रखना चाह रहे हो। एक तरह से इसको हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल से छुट्टी लेना चाह रहे हो, उनसे अपने आप को अलग रखना चाह रहे हो। पर विकास, अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री बिल्कुल क्लियरली ये चीज कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखने की सोच रहा हूं, पर उन्होंने कहा गिविंग अप माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। गिविंग अप का मतलब ये हो गया, थिंकिंग ऑफ गिविंग अप का मतलब यही कि मैं सोच रहा हूं कि अब गिव अप कर लूं, डीएक्टिवेट कर लूं मेरे ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ये देखिए, डीएक्टिवेट करने जैसी जो हमारे सूत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के, वो इस और तो नहीं इशारा कर रहे हैं, लेकिन जो बातें कही गई हैं उससे जो बात निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि कुछ दिनों की रेसेस प्रधानमंत्री शायद चाहते हैं, शायद वो ऐसा चाहते हैं, कुछ घंटों की चाहते हो या कुछ दिनों की चाहते हो, और उसके पीछे वजह क्या है इसको लेकर बिल्कुल स्थिति साफ नहीं है, इसको लेकर किसी को कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ज्यादातर चीजें अपने खुद हैंडल करते हैं, वो खुद वो सोशल मीडिया पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। और विकास, आप ये बता रहे हैं कि बहुत करीबी जो उनके साथ अधिकारी काम करते हैं उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये फैसला लिया और उन्होंने पोस्ट भी कर दिया? या बिल्कुल, किसी को कोई जानकारी नहीं है और सभी बेहद चौंके हुए हैं, और वे खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपको कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा या कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, और इसी में पूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के मन में जो चल रहा है उसको लेकर उस पूर्ण रहस्य की गुत्थी खुद प्रधानमंत्री ही सुलझाएंगे, क्योंकि उन्होंने आखिरी लाइन में लिख दिया है विल कीप अपडेट विद पोस्टेड, तो उन्होंने खुद ही साफ कर दिया है कि वे अगले पोस्ट में ही स्थिति को साफ करेंगे कि आखिर वे क्यों करना चाहते हैं, कुछ घंटों के लिए चाहते हैं या कुछ दिनों के लिए चाहते हैं, ये स्थिति खुद प्रधानमंत्री ही साफ करेंगे, और इसमें मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कयास लगाने का स्पेस वे खुद भी छोड़ते हों, और इसी वजह से उन्होंने शायद ट्वीट किया है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री खुद इस ट्वीट के जरिए शायद वो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्वीट हुए थे अभी तक उसमें से जो तादाद थी प्रधानमंत्री के रीट्वीट थी लगभग उतने ही रिप्लाई भी प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में आ गए थे, तो ये जो रिप्लाई है तकरीबन 5,700-800 के आसपास रिप्लाई मुझे इस वक्त दिख रहे हैं उनके उस ट्वीट पर, तो ये जो रिप्लाई है ये दरअसल प्रधानमंत्री के लिए सजेशन है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री इन्हीं सजेशन के बाद अपना कोई निर्णय ले, चाहे वो कुछ घंटों का हो, कुछ दिनों का हो, या फिर हो सकता है कि वो ये निर्णय ना ले कि वो सोशल मीडिया से कुछ घंटों या दिनों की रेसेस ले लेंगे। ये जो स्थिति है वो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके शायद लोगों से एक तरह से बिना मांगे ही सजेशन ले रहे हैं, और लोग यहाँ पर कोई इमोशनली उनको उनके साथ कनेक्ट कर रहा है तो कोई इसको थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में ले रहा है। जब आप मुझसे बात कर रहे थे विकास, तो मैं उन ट्वीट्स उस ट्वीट के बाद जो भी जानकारी या जो भी बातें लिखी है यूजर्स ने ट्विटर पर वो पढ़ भी रही थी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई फिर हम क्या करेंगे अगर आप चले जाएंगे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।